तो नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अरे यहाँ पे एक नया गेम प्ले आ चुका है। माशाल्लाह से हमारे टीम लीड ने हमें ऐसा उतारा कि गर्दन ऊपर रहेगी और पीछे वाला हिस्सा पीछे। मैं नीचे गिर गया था, वो ऊपर चले गए थे, लेकिन मैं वहाँ दूर जाकर गन वगैरह पकड़ गया था, तो वो वाला पार्ट मैंने काट दिया था। तो गनमैन पकड़ी है, ऊपर अरबी बैठा होता है, अरबी मार देता है। अरबी लोबी होती है, सुबह सुबह खेल रहे हैं तो ज़्यादातर लोग अरबी आ रहे होते हैं, तो अरबी लोबी होने की वजह से हमारी पिंग में भी इशू होता है। मतलब 20 है लेकिन अभी, लेकिन अनस्टेबल सी रहती है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि भाई हमारे दोनों टीममेट चीख रहे हैं कि भाई हेल्प हेल्प हेल्प। तो वो बच्चे मर गए होते हैं, उनको मारते नहीं होते, नॉक हो गए होते हैं। तो यहाँ पे एक अरबी होता है मम्मी सूट, उसके साथ तो हमें वैसे ही बहुत तप चढ़ती है। क्या ना, मम्मी सूट बंदे ने पहनो, वैसे तो अपना पसंदीदा है लेकिन अपने पास नहीं है तो फिर हमें तप चढ़ती है। एनीवे यहाँ पे ये बैठो, इसने स्प्रे अच्छा दिया था लेकिन इसको बड़े हेड शॉट है। तो ये भाई जान यहाँ से फारिग होके इन्ना लिल्ला होके वापस चले गए। तो ये काफ़ी अच्छा गेम प्ले था। मतलब इसके अंदर ना सारी अरबी लोबी होती है, प्लेयर अच्छे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मरते भी हैं कई दफ़ा, नॉक भी होते हैं, नॉक होके बच जाते हैं फिर मर जाते हैं। रिकॉल वाला सिस्टम ऑन है इसके अंदर, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ के ऊपर गाड़ी आई है। मैं ना गलती की, मैं असल में पीक देना चाह रहा था, पता नहीं मेरा बंदा बाहर कैसे निकल आया, इस चमन चंगड़ से अंदर नहीं रहा, गया बाहर आके छपक करके गिर गया। तो उन्होंने भी मौका देखते ही इनकी ठुकाई कर दी और ये जनाब वापस आ गए। लेकिन मैं जब उतरता हूँ तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि जहाँ पे उसकी गाड़ी थी मैं उससे पीछे उतरूँ, क्योंकि मेरे टीममेट सामने हैं और वो उनसे फाइट ऑलरेडी ले रहा है। तो मेरे पास गन होती है उसी, उसके अंदर होती है 60 गोलियाँ। ये बैठा है, इसको भाई मैं इधर ही नॉक करता हूँ, नॉक फिनिश करके जोन में आ रहा होता है, तो जिसकी वजह से मैं इसकी लूट नहीं करता और आगे निकल जाता हूँ। असल में पहले मुझे शक होता है कि शायद आगे कोई बंदा है, लेकिन बंदा कोई नहीं होता, लेकिन पीछे से अब ये मुझे नहीं पता लगा, मुझे पड़ी पीछे से, मतलब शो हुआ है कि पीछे से गोली पड़ी है, बंदा नहीं मिलता। और मेरे ऊपर पास बैंडेज है, ऊपर से उजी है, उसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे खुले में हील करने से अच्छा है अंदर जाके लेट के हील कर लूँ। मैं अंदर जाके लेट के हील करता हूँ तो सामने से मेरे टीममेट की चीखें आती हैं कि भाई बचाओ मार रहा है। तो यहाँ पे मैं बाहर निकलता हूँ तो ये बंदा होता है। अब मैं गलती एक और ये करता हूँ कि मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास गोलियाँ कितनी हैं। मेरी गोलियाँ चेक करें, 6 से 7 है। बंदा मेरे सामने है, मैं उसको मार सकता था। अब गोलियां ना होने की वजह से मैं यहाँ पे मर गया हूँ। ऐसा ऐसा बंदा अपनी गलतियों से सीखता भी है। मैं इधर हुआ था, इसका डब्बा खोल के ना लूट करना चाह रहा था, लेकिन मैंने गलती की, मैं लेट भी सकता था क्योंकि मैं नहीं लेटा। इस चीज़ का मुझे बाद में एहसास हुआ। अब ये मेरा टीममेट यहाँ पे आ गया था तो उसने मुझे रिवाइव वगैरह कर दिया, तो ज़िंदगी के लाले तो बच गए हैं। लेकिन ये वाली जो फाइट थी ना, फाइट मेन यही थी, इसके बाद बस जो है ना वो आता है कि हम मैच विक्ट्री कर गए। अब एक बंदा बाकी रह गया होता है, लेकिन ये अरबी प्लेयर होते हैं, अरबी प्लेयर काफ़ी बुरे प्लेयर होते हैं, इनकी एमएस बहुत अच्छी आ रही होती है और इनकी डिवाइसेस भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब 120 FPS वगैरह पे खेल रहे होते हैं तो ऐसे मूवमेंट ऐसे देते हैं, पता नहीं लगता बहन के टिके थे कहाँ पे। बहरहाल शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।